हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलें जल्दी से जुड़े और बताएं विजुअलिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्यमान तक पढ़ लिया था, लंबाई लंबाई का मात्रक हमने स्टडी किया था, ठीक है। लंबाई के बाद हमने द्रव्यमान पढ़ा और द्रव्यमान पढ़ने के बाद फिर हम लोग द्रव्यमान में, मैंने बताया था द्रव्यमान में बहुत कुछ नहीं है, एक चंद्रशेखर सीमा होती है ना। तो चंद्रशेखर सीमा आपको बता दिया, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा, गुड आफ्टरनून अंशिका, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा बता दिया था कि एक चंद्रशेखर सीमा या उसी को सी एस एल बोलते हैं। एक सी एस एल इक्वल टू होता है कितना होगा, 1.4 गुणे 10 की पावर गुणे सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे समय का मात्रक। जल्दी से जुड़ जाएं और फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसके पढ़ने से पहले समय को पढ़ेंगे। आशिकी, गुड आफ्टरनून अंशिका। समय के मापन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। शिवानी, गुड आफ्टरनून। चलें ट्राई स्टार्ट करें। यस आर नो बोलो जल्दी से। चलो गुड। चले तो आज का टॉपिक हमारे पास होगा समय का मात्रक। तो बच्चों समय का मात्रक जो होता है वो आपको पता है कि समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था कि समय का मात्रक एसआई सिस्टम में सेकेंड होता है, ठीक है। अब समय में क्या होता है कि समय को मापने के लिए दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी, इस समय को मापने के लिए दो विधियां है। एक होती है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि जो होती है वो है अप्रत्यक्ष। एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और एक हो तो इनडायरेक्ट मेथड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अब देखेंगे जो प्रत्यक्ष विधि होती है और अप्रत्यक्ष विधि समय को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में हम समय को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लॉक का। इसका क्लॉक यानी घड़ी का उपयोग करते हैं, राइट। घड़ी का मतलब चाहे जो भी घड़ी हो, आजकल तो कंप्यूटर में भी लैपटॉप में भी घड़ी होती है, कंप्यूटर में होती है, ठीक है। और आपके उधर फोर मिनट, तो आजकल मोबाइल में भी होती है, लेकिन समय का मापन हम प्रत्यक्ष विधि से यानी किससे करते हैं, हम क्लॉक से देख करके। जैसे इस समय देख करके हम बता सकते हैं कि 3 बजकर कितने हो गए, 33 मिनट हो रहे हैं, 34 मिनट हो रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी विधि जो होती है उसको हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि का मापन हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से कैसे कैसे करते हैं, अच्छा इसका मापन जो होता है एटॉमिक क्लॉक से किया जाता है। इससे एटॉमिक क्लॉक का मतलब होता है परमाणु घड़ी। और परमाणु घड़ी से कौन सी दूरी मापी जाती है, अल्प समय का मापन प्रत्यक्ष विधि से परमाणु घड़ी के द्वारा किया जाता है,
ठीक है, देवेश मोहित बुरा करो। अब हम देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष विधि होता है, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग समझेगी तो पहले क्रोनोलॉजी समझ ले, पढ़ना कुछ नहीं है यार, बुक में राइट किया हुआ है, थ्योरी लिखी है, कौन सा डेरिवेशन व्यंजक है, केवल आपको यहाँ पर माइंड सेट करना है, बताना है किसको हमें कैसे स्टडी करना है। तो समय का मात्र सेकेंड होता है, इसको दो तरीके से मापा जा गया, पहला होगा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होगा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम घड़ी का उपयोग करते हैं, एटॉमिक क्लॉक का, जिसमें हम परमाणु यानी अल्प समय को मेजर कर सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ठीक ना, पीको सेकेंड, फर्मी सेकेंड, यानी अल्प समय को मेजर करने के लिए एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत दूर, बहुत मतलब बहुत बड़ा समय मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बड़ा समय मापने के लिए भी हम क्या करते हैं, अब अल्प समय हो गया, अब दीर्घ समय। तो दीर्घ समय को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो दो चीजों का फिर से यहां पर उपयोग करेंगे। पहला उपयोग करते हैं हम कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन के बेस पर हम क्या करते हैं, उसके आयु का निर्धारण करते हैं, वो वस्तु कितनी पुरानी है, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग से हम किसका उपयोग करते हैं और किसका, बताओ ना, कम से कम बोलते भी जाओ हमारे साथ तो समझ में आए कि आप जान रहे हो। कार्बन डेटिंग से, अब कार्बन डेटिंग से किसका उपयोग करते हैं, जीवाश्म का, जीवाश्म। अब जीवाश्म तो आपको नहीं समझाएंगे कि यहां जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल, ठीक है, किसका, फॉसिल, तो यहां पर होगा फॉसिल का। अब जैसे देखो डायनासोर थे या नहीं थे, उनके आयु का निर्धारण, उनके समय का निर्धारण कार्बन डेटिंग से किया जाता है। ये बहुत बड़ा समय है, हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्कवरी चैनल देखते हैं कि आज से इतने करोड़ अरबों वर्षों पश्चात डायनासोर रहा करते थे और उनके जीवाश्म मिलते हैं, उनके फॉसिल्स मिलते हैं, उन्हीं फॉसिल्स के आज के बेस पर हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि से कार्बन डेटिंग करके हम क्या करते हैं, उनके समय का अनुकालन करते हैं, वो कितने वर्ष तक जीवित रहते थे, कितने विशाल रहते थे, कब से कब वो मतलब उनकी डायनेस्टी थी, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्बन डेटिंग जीवाश्म का, इसी तरह से वो चार्ट बनाकर समझते भी जाएंगे। और दूसरा समय है जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। अब यूरेनियम डेटिंग से किसका उपयोग करते थे, देवेश पांडे बताओ, यूरेनियम से, कार्बन डेटिंग से जीवाश्म फॉसिल फ्यूल का, यूरेनियम डेटिंग से हम पृथ्वी का, चंद्रमा का, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करते थे, पृथ्वी के आयु का पता लगाते थे, पृथ्वी हमारी कितने वर्ष पुरानी है, ठीक है ना, और चंद्रमा का, चंद्रमा का पता लगाते थे, ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, गॉड देवेश मून और अर्थ का, इनके बारे में हम पता करते हैं किससे, यूरेनियम डेटिंग से। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, समझ में तो आ गया होगा क्या, समय का मात्र सेकेंड में साइन पद्धत में इसका मापन, ये दो विधियां हैं, पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में अल्प दूरियों को, घड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन अल्प समय को मापने के लिए एटॉमिक घड़ी का उपयोग करते हैं, है ना, जिसमें हम माइक्रो नैनो फेमो टिनो पिटो सब का उपयोग कर लेते हैं, यानी इस घड़ी से उसके समय को निर्धारित करते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसमें हम दीर्घ समय को नापते हैं, दीर्घ समय में कार्बन डेटिंग आती है, कार्बन डेटिंग में जीवाश्म का परीक्षण किया जाता है, और यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी और चंद्रमा के आय का निर्धारण, ग्रह नक्षत्र के निर्धारण करते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हुआ, चलो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है ना, उसको लगा करके आना है आप,
अगर डाउट होगा तो हम आज ही बता देंगे, लेकिन उसको लगाना है, ठीक है? गुड। और इस तरह से इसमें कुछ मान और भी हैं। आज से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो रहा है। अब अगला सॉरी टॉपिक, अब अगला टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि विश्व की आयु जो है वो 10 की पावर कितना है? 10 वर्ष। क्या है विश्व की आयु? विश्व की आयु 10 की पावर 10 वर्ष है, ठीक है? मतलब है या होने पर लिख लेते 10 की पावर 10 वर्ष होने पर मानव जाति की आयु कितनी हो रही है? 10 की पावर 6 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की आयु 10 की पावर 10 वर्ष होने पर मानव जाति की आयु 10 की पावर 6 वर्ष है, ठीक? तो जब अब यहां पर ये समझेंगे, ये हो गया, यदि विश्व की आयु 1 दिन होती है तो मानव जात का अस्तित्व कितने सेकंड तक रहेगा? कहता है आयु है, देखिए, यदि विश्व की आयु, विश्व मतलब इस ब्रह्मांड की आयु 1 दिन हो तो मानव जात की आयु कितने सेकंड की होगी? बढ़िया क्वेश्चन है ना, बन जाएगा नहीं बनेगा? क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि विश्व के इस ब्रह्मांड की आयु 10 की पावर 10 वर्ष होने पर मानव जाति की आयु जो है वो 10 की पावर 6 वर्ष होती है, यदि विश्व की आयु 1 दिन हो, ये मान लो कि ब्रह्मांड हमारा 1 दिन का है, तो मानव जाति उस ब्रह्मांड में कितने सेकंड तक जीवित रह सकता है, यानी उसका कितने सेकंड तक लाइफ हो सकती है, ये बताना है आपको, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व भी करा देते हैं, करेंगे आप कि हम करें? कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं कराऊं या कर देंगे आप? तो हम छोड़ दें, देख करते हैं। कमेंट करो जल्दी से, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ाते हैं। बोल ही नहीं रहे हो, जल्दी करो बताएं। अच्छा चलो ठीक है, तो क्या करोगे? पहले मान लोगे, लिखोगे माना, मानव जात का करवा दीजिए, गुड। तो चलो लिखो, माना मानव जात की आयु अस्तित्व x सेकंड है। अरे गणित का सवाल है बेटा, ठीक है? तो निकाल लो जल्दी से, क्या लिखोगे? माना मानव जाति का आयु, वही तो पूछा है, एक दिन में मानव जाति की आयु कितनी सेकंड होगी? तो मानव जाति की माना मान लेते हैं, मानव जाति की आयु x सेकंड है, सेकंड में मेजर करना है, x सेकंड है। तो कह रहा है कि एक दिन में मानव जाति, सॉरी विश्व की आयु 1 दिन, तो 1 दिन में कितने सेकंड होंगे निकाल लो। तो क्या लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे, चूंकि 1 दिन में कितने होते हैं, 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, कैलकुलेट करके बता दो ये कितना होगा? 6 6 36 24 6 कितना होगा? 84। अरे यार गुणा करना पड़ेगा, करो जल्दी से, बताओ जल्दी से कि मैं लिखता हूं, मुझे पता नहीं है, गुणा मुझसे बात नहीं रहा है। कितना होगा? 6 6 36 24 6
8, 6, 4, 2। देखो ये करेक्ट है कि गलत हो रहा है, जैसा भी हो बताओ। अगर ये सही है तो फिर आगे बढ़ते हैं, गुणा करके जल्दी से बताओ। 24 × 60, इतना सेकंड निकाल लेते हैं। कहां चले गए यार, करो जल्दी से। 10^10 होने पर मानव जाति की आयु 10^6 वर्ष है। 1 दिन है तो मानव जाति आयु कितने सेकंड होगी? मानव जाति का आयु 1 सेकंड है तो 1 दिन में 24 × 60 × 60 यानी कितने सेकंड होगी? ठीक है, चलो सही है। तो अब देखोगे मानव जाति छोटी राशि है, कल मैंने पढ़ाया था जो छोटा उसको पहले लिखें, ठीक है? गुड, देवे से ही पूछना था। तो देखो तो मानव जाति छोटी है तो नीचे से लिख लेंगे, अतः मानव जाति जाति की आयु बटे कितना होगा विश्व की आयु बराबर। तो मानव जाति की आयु कितना माने एक्स, विश्व की आयु कितना माने हमने 10^10। ये हो, ठीक है। और ये किसके बराबर है? एक दिन की बात कर रहे हैं, यहां पर कितना हो जाएगा मानव जात की आयु दिया कितना है 10^10। गलत हो रहा सेकेंड में लिए ना, यहां पर इतना लिखना पड़ेगा 8, 6, 4, 0 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है कि मानव जात की ये कितना हो गया, मान लिया थे कितना, अब इसकी आयु कितनी हो जाएगी, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट इसको मिटा दें, क्वेश्चन फ्री लगा दें, नीचे पड़ रहा है ना। देखो एक मिनट, थोड़ा सा समझना होगा इसका। देखो मानव जाति की आयु बटे विश्व की आयु, ये समझ में आ गया? मानव जाति की आयु को हमने कितना मान लिया है यहाँ पर x, और विश्व की आयु जो है यहाँ पर पूछा था एक दिन की विश्व की आयु, ये एक दिन यहाँ निकल लेना, वही तो कंफ्यूजन करा रहे थे। एक दिन की विश्व की आयु कितना मान लिया था हमने, तो यहाँ एक्स बटे 8, 6, 4, 0 ये हो गया, ठीक है। अब इसकी तुलना हम किससे कर देते हैं, पुराने वाले से, तो नीचे से लिखेंगे अतः कितना हो जाएगा एक्स अपान 8, 6, 4, 0 इक्वल टू मानव जाति की आयु 10^6 बटे विश्व की आयु कितनी है 10^10 कितना 10, विश्व में दिया हुआ है, इतना दिया नहीं लिखे हैं। अब ये चीज समझ में आ गई, इसको सिंपलीफाई कर लो तो देखोगे कितना आ जाएगा, हमें इसका अगर पूरा कर देना है x इक्वल टू ये जाएगा 10^6 इनटू 8, 6, 4, 0 बटे कितना हो जाएगा 10^10 कितना 10, 10^10 को ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 8, 6, 4, 0 गुणे ये जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10^-4। ठीक, अब देखोगे 1, 2, 3, 4 चार से चार से निकालो 8.64 × 10^2 इसको लिख सकते हैं +4 और × 10^-4। ये चीज थोड़ी सी आपको समझ में ना आएगी हम बताते हैं। देखो बेटा जैसे यहाँ लिखा होता है 100 को लिख सकते हैं 10^ कितना 2, तो 10^2 यहाँ तक लिख लिए 100। अब 2.1 के बाद और जा रहे हैं तो 10^2 × 2, 2, 4 हो गया, ये बन जाएगा 8.64 × 10^+4 और ये 10^-4, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 8.64 और ये हो जाएगा सेकंड में हमें मानना था कितना सेकंड हो जाएगा। तो मानव अगर सोचो एक दिन का ये अगर विश्व होता है तो उसमें मानव की जो जाति का समय होगा वो मात्र मानव जाति 8.6 सेकंड ही जीवित रहेगी, ठीक है।
चलो ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हुआ। अब आगे काम करना, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं आपके बुक में, सभी क्वेश्चन को ट्राई मारना, लगाते रहना, ठीक है? क्योंकि जितना भी पढ़ोगे है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो अब अगला टॉपिक हमारे पास होता है यथार्थता। ये टॉपिक मैंने शुरू किया था लेकिन मैंने देखा कि चीजें छूट रही हैं, इसीलिए मैंने इसको भी बंद कर दिया था। एक्यूरेसी दूसरे टॉपिक है हमारे पास, यथार्थता का क्या होता है ये चीज समझना, ठीक है? तो देखो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है कि जब हम मापन करते हैं बच्चों, तो जो मापित मान होता है वो वास्तविक मान के कितना नजदीक है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यथार्थता मान कहते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि एक ये चार्ज है और इस चार्ज का व्यास जो है, हमने क्या किया, इसका व्यास हमने इसका व्यास बता दिया, इसका व्यास है 0.35 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ये? अब अगर इसके आपको दे दिया जाए, इसको मेजर करना है, मापना है, तो आपका जो मापित मान होगा वो मापित मान 0.32 सेंटीमीटर आया, ठीक? फिर किसी और का देखेंगे, जैसे मान लो और एक दो बच्चे हैं, तो किसी का 0. कितना आया, 3.30 आया, किसी का 0.29 आया, किसी का 0.39। इसमें ये चीज कहा जाता है कि कौन सा मान ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि अभी देखो कि एग्जैक्ट तो पहुंचे नहीं है, और ये मान जो होता है हमारा, ये होता है वास्तविक मान, और मापित मान वास्तविक मान के जितना ही ज्यादा नजदीक होता है, जितना उसी को हम क्या बोलते हैं, यथार्थता, ठीक है ना? और यथार्थता की सीमा को ही हम प्रिसीजन कहते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन को इंग्लिश में शुद्धता बोलते हैं, ठीक है ना? और ये मान जो यहां तक नजदीक पहुंचा उसके कंडीशन को बोलते हैं शुद्धता। क्या बोलते हैं, शुद्धता। तो किसी भौतिक राशि के मापित मान जितना यथार्थ होता है, ठीक है ना, वास्तविक मान के जितना यथार्थ होता है, तो उसी के मान को हम क्या बोलते हैं, शुद्धता। और शुद्धता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम देखेंगे शुद्धता, और शुद्धता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसाइज, तो हम प्रिसाइज कर रहे हैं, यानी प्रिसीजन, हम प्रिसाइज कर रहे हैं कितना ज्यादा शुद्ध है, ठीक है? जैसे पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू पर लो पढ़ते हैं 3.14, क्या ये शुद्ध मान है, नहीं, ठीक है ना? यही तो क्या कहलाता है, प्रिसाइज, ये शुद्ध है, क्योंकि यथार्थ तो नहीं है लेकिन ये शुद्ध है जरूर। यथार्थ क्यों नहीं है, क्योंकि हमको ये भी पता है कि पाई को 22.7 हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.14। अब देखो 14 के अलावा भी कुछ मिलेगा, तो 3.21 आया, दशमलव लगाया 1 मिला, 7 आया, 4 मिला, 28 हुआ, 2 मिला, 2 आया, फिर 40 आया, 2 आया, सॉरी 6 आया, तो यहाँ पर 8 आया, कुल मिलाकर के इसकी वैल्यूज हो गए 1, 4, 2, 8, इस तरह से अप टू और सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या मिल रही है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये यथार्थ है, सभी यथार्थ है, बट ये शुद्ध नहीं है। तो यथार्थता की सीमा को भी हम प्रिसाइज करते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, यानी उसी को परिशुद्धता बोलते हैं। तो दोनों चीज समझ में आ गए, यस आर नो में आंसर दो। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं एरर, अगर नहीं तो फिर से बोलो कि रिपीट करें। परिभाषा लिखो, परिशुद्धता बतलाती है कि कोई राशि किस रिजोल्यूशन यानी किस सीमा तक क्या है मापी गई है। चलो ठीक है, और ये जो परिशुद्धता होती है, परिशुद्धता या शुद्धता ये किस पर निर्भर करती है, अल्पमान पर, अल्पत
मांग पर ये निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अल्पमांग पर। ये पॉइंट आप लिखते हैं। कभी कोई कोई पूछता है कि परिशुद्धता किस पर निर्भर करती है, तो परिशुद्धता अल्पमांग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यथार्थ और क्या पढ़ लिए हम लोगों ने? परिशुद्धता। यथार्थता क्या होता है? कि मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। परिशुद्धता यह बतलाती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी जा सकती है, उसके आगे क्या हम माप सकते हैं? नहीं। तो जिस सीमा तक मापी जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। और परिशुद्धता किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है अल्पतमांक पर। अल्पतमांक को हम बोलते हैं स्क्रू ग्रोस, लीस्ट काउंट इंग्लिश में। और इसको अल्पतमांक में जैसे देखेंगे, ये फिक्स वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको मान के निकालना पड़ता है। तो तीन अल्पतमांक हम आपको बताएंगे, उनको आप ये ध्यान रख लेंगे। पहला अल्पतमांक होता है मीटर पैमाने का, मीटर पैमाना। तो मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या होगा? फिर आता है वर्नियर, वर्नियर कैलिपर्स। फिर तीसरा आता है स्क्रू गेज, इन्हीं का उपयोग होगा, स्क्रू गेज। इन तीनों का अल्पतमांक चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर होता है। ये स्केल का है, जो आप पटरी ले रखते हो स्केल डेविस, ठीक है ना, वैसी का वैल्यू है मीटर पैमाने का। 0.1 सेंटीमीटर मीटर पैमाने का अल्पतमांक ये होता ही होता है। वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है, और स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये तीनों आप स्टैंडर्ड याद करेंगे। जैसे समय का मात्रक होता है, तो मोहित समय का मात्रक जो होता है लीस्ट काउंट सेकेंड होता है, ठीक है ना। स्टॉपवॉच जो होता है उसका एक सेकेंड का फर्क पड़ता है। तो ये लीस्ट काउंट कहलाते हैं मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स, और क्या हो जाएगा? स्क्रू गेज। ये इन्हीं के लिए लीस्ट काउंट कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है। आज का टाइम भी ओवर हो रहा है, टाइमिंग देख लेते एक बार, लगभग 3:55 हो रहे हैं। तो यहां अगला जो टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, थर्ड नहीं है देवेश, अभी ये सेकंड ही है। किसी किसी बुक में थर्ड दिया होगा तो नहीं कह सकते, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर का ही, अभी सेकेंड चैप्टर का ही है। किसी किसी बुक में, जैसे अगर युवोध नवोध में देखेंगे, तो उसमें चैप्टर को ए बी सी से इस तरह से बांट दिया है। तो सेकेंड चैप्टर का ए पार्ट, फिर बी चैप्टर, फिर सी चैप्टर, इस तरह से डिवाइडेशन है। ठीक है, हाँ, ये स्क्रू गेज है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा ज्यादा मोस्ट प्रिसाइज है, ठीक है, कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। सभी लोग आंसर देंगे। जैसे मैंने एक वैल्यू रखा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, सेकंड है 4.0 सेंटीमीटर, थर्ड 4.00 सेंटीमीटर, फोर्थ जो है 4.00 सेंटीमीटर, और फिफ्थ है 4.000 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन ज्यादा शुद्ध है, शुद्ध है यानी परिशुद्ध है, यानी प्रिसाइज है, किसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा है। आंसर, चार वैल्यू दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर, 4.0001 सेंटीमीटर। कौन सा ज्यादा शुद्ध है? जो आप हिंदी में जो आप लिखते हो चार, कौन सा चार सबसे ज्यादा शुद्ध लिखा हुआ है सही करेक्ट फॉर्म में, जल्दी। ऋषि गुप्ता एक बता रहे हैं, गलत है, एक में ही लिखा हुआ है शुद्ध प्योर फॉर्म में। और थिंक करो, देवेश पांडे
और ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, सबसे शुद्ध ये, ठीक है, शिवानी और देवेश। सेकंड भी प्योर नहीं लिखा हुआ है देवेश। हमने कहा पर शुद्धता डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, अल्पतमांक पर, और जिसका अल्पतमांक अल्पमांक यानी जिसमें कम से कम वैल्यू जुड़ी हो। आपको मैं बताऊं यहाँ पर 4 डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, इसमें 4 डेसिमल के बाद 0 लगा हुआ है, इसमें डबल 0, सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट किस वाले की वैल्यू लिखा है, देखो इसमें है 4+0.00001 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ये ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा परिशुद्धता निर्भर करती है, जिसका अल्पमांक जितना ही कम होता है वो सबसे ज्यादा ही प्रिसाइज होती है। आई बात समझ में? चलो धन्यवाद।